पापा, इससे पहले कि रोहन कुछ और कहता, सुरेन जी ने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा और इशारों इशारों में कुछ कहा, चुप हो जाओ नहीं तो घर पर चलकर तुम्हारी पिटाई होगी। रोहन समझ गया कि उसके पापा अब कहना क्या चाहते हैं, इसलिए उसके आगे उसने एक भी लफ्ज नहीं कहा और वो तुरंत दीपिका की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि ठीक है, पर क्या मैं आपका बंगला देख सकता हूँ? दीपिका ने भी जवाब में कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बंगले के टूर पर ले चलती हूँ। फिर सभी लोग दीपिका के पीछे पीछे चले गए। दीपिका सबसे पहले उन लोगों को उस रूम में ले गई जिसमें रणवीर रुकने वाला था। कमरा अच्छी तरह से डेकोरेट था, बेड देखने में बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था, खिड़की से दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे और कमरे में अच्छी खासी बाहर से रोशनी भी आ रही थी। रूम देखकर रोहन इतना खुश हो गया कि उसका मन हुआ कि वो वहीं थोड़ी देर के लिए सो जाए। फर्स्ट फ्लोर पर बस दो ही बेडरूम थे और एक गेस्ट रूम था। एक बेडरूम दीपिका का था तो वहीं दूसरे बेडरूम में रणवीर रुकने वाला था। उसके बाद वो लोग छत पर चले गए। छत का नजारा देखकर तो रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। छत पर एक बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था और वहां से चारों तरफ का जो नजारा दिखाई दे रहा था वो बहुत ही मनमोहक और दिलकश था। ये सब देखकर रोहन से नहीं रहा गया, उसने दीपिका से पूछ ही डाला, अगर आप ये बंगला बेचना चाहते हो तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। दीपिका ने सीधे सीधे जवाब दिया, मेरा घर बेचने के लिए नहीं है, चाहे आप मुझे इसके लिए कितने भी पैसे दे दे, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, इसलिए ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सुनकर असिस्टेंट यादव जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, इसलिए उन्होंने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। तभी दीपिका सबको बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम समझाने लगी। रोहन को विश्वास ही नहीं हुआ, उसे लगा कि दीपिका बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो मजाकिया लहजे में उसने कहा, सच में? दीपिका रोहन के इस मजाकिया अंदाज को समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने रोहन से कहा, अगर आपको मेरा घर इतना ही पसंद है तो मैं इसे आपको फ्री में दे दूंगी, पर घर के बाहर जो मेरा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है ना, उसे आपको उड़ाकर मेरे बगीचे में लैंड करना होगा। ये सुनकर रोहन चौंक गया, उसे लगा कि दीपिका मजाक कर रही है, पर दीपिका की आंखों में देखकर उसे ये एहसास हुआ कि वो सच में सीरियस है। तभी रोहन ने जवाब दिया, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, आप आखिरी बार सोच लीजिए इसके बारे में। वैसे दीपिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी पलकें झपकाई और रोहन समझ गया कि दीपिका इस चीज के लिए राजी है। दीपिका ने रिमोट कंट्रोल रोहन के हाथों में दे दिया। कुछ ही सेकेंड्स बाद सबको एक जोर सी आवाज सुनाई दी, बूम, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुरेंद्र जी मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं ये लड़का मेरी और कितनी बेइज्जती कराएगा। यादव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, रोहन का एक्सप्रेशन तो देखने वाला था, वो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया और बार बार रिमोट कंट्रोल की तरफ देख रहा था। जब यादव जी ने रोहन का कंधा थपथपाया तब जाकर वो होश में आया। रोहन ने रिमोट कंट्रोल वापस दीपिका के हाथों में दे दिया। तभी दीपिका ने सुरेन जी से कहा, चलिए मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। रोहन की तरफ देखकर वो सोचने लगे कि आज के लिए इतना ही ड्रामा काफी है रोहन, इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं अब और कुछ नहीं देखना चाहूंगा, तुम्हारी सारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, और हाँ मैं ये बता दूं कि मेरा बेटा सुबह 3 बजे आएगा। तभी सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। वहां से हेलीकॉप्टर के जाते ही दीपिका घर के अंदर चली आई। अंदर जाते ही उसने कहा कि कमलनाथ अंकल, पुष्पा आंटी, आप लोग कहाँ हैं? अंकल, आंटी, कहाँ हैं आप लोग? तभी दोनों लोग उसके पास आ गए और कहते हैं, क्या बात है? तभी दीपिका ने कहा कि कुछ दिन के लिए घर में एक मेहमान आएंगे, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों इसके लिए तैयार हो जाइए। ऐसा कहकर वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। आखिर पिछले 3 दिनों से वो ठीक से नहीं सो पाई थी और आज रात भी कोई उसके घर आने वाला था, इसलिए आज भी उससे नींद नहीं नसीब होने वाली थी, तो उसने सोचा कि अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा।
तभी पुष्पा आंटी ने पूछा, मिस अगर आप ज्यादा थक गए हैं तो मैं आपको बैक मसाज दे दूं? दीपिका कहती है कि नहीं, मैं बस सोना चाहती हूँ, गुड नाइट आंटी। ये कहकर वो सो जाती है, लेकिन उसकी गुड नाइट सुनकर कमलनाथ अंकल और आंटी हंसने लगे और कहा, अभी तो सुबह के 11 बज रहे, ये कैसा गुड नाइट है? खैर जो भी है, जब दीपिका सोकर उठी तब शाम के 7 बज चुके थे। उसने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो चौंक गई, इतनी देर तक मैं कैसे सो सकती हूँ? उसने जल्दी से मुंह हाथ धोकर डिनर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और नीचे चली गई। डिनर करने के बाद वो बगीचे में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। ये तभी कमलनाथ अंकल उसके लिए चाय लेकर वहां आ गए और पूछते हैं कि मिस अब तो अंधेरा हो गया है, हमारे मेहमान कब तक आएंगे? दीपिका ने जवाब में कहा कि अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि हमारे मेहमान देर रात 3 बजे आएंगे, इसलिए आप लोग इसके बारे में चिंता मत कीजिए, आप लोग खाना खाकर सो जाइएगा, बाकी सब मैं देख लूंगी। रात के 3 बज रहे थे, दीपिका अभी भी लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। वो समझ गई कि थोड़ी ही देर में उसके घर में कोई आने वाला है। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही सबसे पहले सुरेन जी के असिस्टेंट यादव जी और रोहन बाहर आए। उनके साथ डॉक्टर के ड्रेस में एक और आदमी खड़ा था। उन तीनों के साथ में एक और आदमी था जो व्हीलचेयर में बैठा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में है या उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए हैं। बाहर अंधेरा था इसलिए दीपिका को उस इंसान का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया, लेकिन दीपिका ने कहा कि चलिए इन्हें अंदर लेके चलते हैं। धड़कता है क्यों ये जाने ना मैं ना तू कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जाने ना मैं ना तू।